हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लोग देख सकते हो स्विगी कस्टमर सपोर्ट का यहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई है जिसमें कि 35 लोगों ने यहाँ पे जॉब ले चुका है। यहाँ पे कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया, जैसे कि हम लोग आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फीस आपको बिल्कुल नहीं देना है, यहाँ पे आपको फ्री में जॉब लग जाएगा। ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है, घर बैठ के ही करना है। यहाँ पे आप ग्रामर देख सकते हो, एक ग्रामर आपसे पूछा जाएगा, क्यूज होगा, वो आपको वेरी इजी होगा, बहुत आसान होगा, मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे दो ऑडियो एक्सरसाइज होगा जो कि मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में एक और आपको यहाँ पे क्यूज होगा, उसको भी अभी कंप्लीट कर लेना है, जैसा कि मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे दिख रहा है, हाउ विल दिस हेल्प, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अबाउट अबाउट गारंटीड इंटरव्यू कोर्स के बारे में आपको यहाँ बता दिया जाएगा, अबाउट द कंपनी, अबाउट द रोल, ठीक है, और असेसमेंट आपका यहाँ पे एक ले लिया जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट द जॉब, जॉब के बारे में आपको बताया जाएगा। वर्क फ्रॉम होम होगा, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम यहाँ पे दोनों है। सैलरी आपको 6,000 पर मंथ प्लस इंसेंटिव, ठीक है, फुल टाइम आपको 14,000 पर मंथ प्लस इंसेंटिव। आप जितना अच्छा यहाँ पे वर्क कीजिएगा उतना ज़्यादा ही आपको इंसेंटिव यहाँ पे मिलता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया, आपको यहाँ पे 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन भी यहाँ पे आप कर हो तो वो भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे गुड स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब लिखा हुआ है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आ जाएगा तो बेटर है, नहीं आती है तो थोड़ा बहुत आपको हैंडल कर लेना है। जैसे कि सामने वाला बंदा अगर इंग्लिश में बोल रहा है तो आपको इंग्लिश में उसे हैंडल कर लेना, मतलब आप हिंदी में भी जवाब दे सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको लैपटॉप और वाईफाई की ज़रूरत है, अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से भाड़े पर या फिर साइबर कैफ़े में जा करके थोड़ा बहुत उसे यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा उसमें काम नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट द कंपनी के बारे में आपको बताया गया है, स्विगी है, 2014 में इसको फाउंडेड डेट इसका यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे 10,000 प्लस लोग इसमें काम करते हैं। ग्लास डोर रेटिंग आपको 4.0 यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें आपको एवरेज सैलरी जो आपका ग्रोथ होता है ना, करियर ग्रोथ, यहाँ पे 1 ईयर में 21% हो जाता है। सीनियर कस्टमर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे काम है, ठीक है, तो ये आपको प्रमोशन हो जाएगा, नेक्स्ट प्रमोशन प्रोफाइल है। तो अच्छा काम करोगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा इस प्रोफाइल पर, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कर लेना है। अब मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो कि आप लोग ये देख लीजिए एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग हम लोग हमारी वीडियोस को देखते हो तो आप लोग जो कि क्या करते हो, सिर्फ वीडियोस को वॉच करते हो और सब्सक्राइब नहीं करते। यहाँ पर देखो तो नॉट सब्सक्राइब, 94% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, 5% लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं आगे और भी वीडियोज़ लेकर के आऊँगा, आप लोग तक कैसे पहुँचेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करोगे, तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए आगे आप लोगों को वीडियो पहुँचने के लिए। चलिए इस वीडियो को पूरा फुल लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर जॉब मिलने वाला है वर्क फ्रॉम होम। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप लोग कोर्स को कंप्लीट करोगे। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कोर्स पे क्लिक कर देना है, स्टार्ट कोर्स एंड अप्लाई पे। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। जैसे जैसा मैं आपको बताऊँगा वैसा ही आपको यहाँ पर करना है। आपको स्क्रॉल करके लाइक बटन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप 10th पास हो या फिर 10th पास से कम हो, तो आपको यहाँ पर येस पे क्लिक कर देना है। 10th पास नहीं हो तो फिर आपके लिए ये जॉब नहीं है, ठीक है, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ा देंगे। फिर आपको इतना पूछा जा रहा है कितनी सैलरी में आप कंफर्टेबल हो, तो जी हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, हमको घर बैठे काम करना है। यहाँ पे इस रोल के लिए आप कंफर्टेबल हो, तो जी हम कंफर्टेबल हैं, आगे बढ़ जाएंगे। आपको फुल टाइम काम करना है या पार्ट टाइम काम करना है, हम फुल टाइम का ले लेते हैं, ठीक है, फुल टाइम ले लिए, फिर आगे बढ़ गए। फिर यहाँ पे देख सकते हो कंग्रेचुलेशन हमारे सामने लिख करके आ गया है। आप चाहो तो पार्ट टाइम भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बढ़ा देते हैं। अगर आप 12th पास नहीं हो तो आपके लिए भी एक जॉब है, जो वो है कि जियो कंपनी हो गया, और भी बहुत सारे वेबसाइट वगैरह जो मैंने बताया है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके भी देख सकते हो, या फिर आप हमारे चैनल पे भी जा करके चेक कर सकते हो वीडियोस में। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये देख सकते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ गया। आपको क्या करना होगा, गारंटीड इंटरव्यू कोर्स, ठीक है, तो ये सबको आप एक कॉपी और पेन ले करके लिख लेना थोड़ा बहुत, यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स लगे यही इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे सैलरी वगैरह के बारे में बताया जाएगा, कितना काम करना है, कितना दिन काम करना है, क्या क्या इसमें होगा नहीं होगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बता दीजिएगा, वो सब आप एक बार रीड कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक और यहाँ पे आपको ऐसे ही बताया जा रहा है, कस्टमर सपोर्ट से कैसे बात करना है, उस पर हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जॉब के बारे में कैसा सैलरी होगी, कितना काम करना होगा, वीकली कितना छुट्टी होगा, क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ यहाँ डिटेल में दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, स्क्रॉल कर लेना है, फिर आगे बढ़ जाना है, फिर स्क्रॉल कर लेना है, आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको इस क्वेश्चन को एकदम केयरफुली देना है। अगर आपने गलती कर दिया तो यहाँ पे आपको जॉब नहीं रहेगा। तो सब में क्वेश्चन सेम आते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन से किसका आंसर क्या होगा। सिंपली इसका यहाँ पे आपको रीड कर लेना है, उसके बाद हम इस पर क्लिक कर देंगे बिलगेट पे, ये इसका आंसर होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं वुड एग्री, ठीक है, डिड एग्री यहाँ पे आपको शो कर रहा था, हम इसका ये आंसर होगा, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे या फिर इस पर क्लिक कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा, आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम लोग देख सकते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ गया। यहाँ पे भी आपका
ये आंसर होगा, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसका आंसर होगा, तो हम लोग इसका देखेंगे। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग फिफ्थ में आ गए, फिफ्थ का भी ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आ गए सिक्स नंबर पर। सिक्स नंबर पर हम लोग अभी देख लेना है कि हमारा कौन सा आंसर होगा, तो हम लोग एकदम ध्यान से इसको देते रहना है। अब हम लोग सातवां का आंसर दे देंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे एक बार सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा यहाँ पे देना है, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम लोग इसमें देख लेंगे कौन सा सेंटेंस हमारा यहाँ पे सही है, नाइन नंबर में ये हो गया। अब यहाँ पे देख लेना आपको कौन सा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है, हम इस पर क्लिक कर लेंगे, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे ये पास हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे हमको बता दिया है। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे के लिए बढ़ेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपको ऑडियो एक्सरसाइज होगा, आपको लाइक पर क्लिक कर देना है, फिर आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, फिर आगे बढ़ जाना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको शो कर रहा है ना यहाँ पे, इसे आपको रीड करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे कि स्क्रॉल डाउन हिट रिकॉर्ड, ठीक है, रीड द सेंटेंस अपलोड द रिकॉर्डिंग। इसमें क्या होगा ना कि अगर आप इसे एक बार रिकॉर्ड किया, गलत हो गया रिकॉर्ड, तो आपको फिर से री रिकॉर्ड भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अभी करके बता देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी ऐसे ही ऑन कर दिया था, मान लीजिए हमारा ये गलत हो गया, तो हम लोग को क्या करना है, इस पर हमको डिलीट पे क्लिक कर देना है, डिलीट पे क्लिक कर देना है, या फिर आपको प्ले करके सुन सकते हो कि आपने क्या बोला, अगर गलत है तो आप फिर से इस पर रिकॉर्ड कर सकते हो, या अगर आपको अच्छा रहा है तो आप यहाँ से अपलोड पे भी क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। चलिए मैं इसे कट कर देता हूँ, कट करने के बाद मैं इसे अपलोड कर देता हूँ, पहले मैं बोल करके। अभी हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, इस वजह से ये हमारा यहाँ पर नहीं लेगा, हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करना है। उसके बाद मैं बोल करके आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताता हूँ। मैंने यहाँ पे इसे रीड कर दिया है, अब हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड कर देने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का लोडिंग लेने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हो अपलोड सक्सेसफुली, स्क्रॉल करना है, लाइक कर देना है, फिर आगे बढ़ जाना है। अब आपको क्या करना है, सेम चीज़ वही करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पैराग्राफ दे दिया, इसे रीड करके अपलोड कर देना है। चलिए मैं इसे भी रीड करके अपलोड कर देता हूँ। हमारा ये भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है, अब हम इसे भी अपलोड कर देंगे। अपलोड कर देने के बाद आपको देख सकते हो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा, उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। आप इसमें जो नंबर दीजिएगा ना, वो व्हाट्सअप नंबर होना चाहिए, तभी आपको मैसेज आएगा, या तो फिर आपको वहाँ पे मैसेज नहीं आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से रहें, व्हाट्सअप नंबर ही आपको इसमें, इस एप्लीकेशन पर आने के बाद भी व्हाट्सअप नंबर ही इस पर देना है। मैं बताता हूँ अभी ये एप्लीकेशन कौन सा है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, चेक लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर मैं इस पर, जैसे हमारे सामने एक इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जो कि हमारा एक फॉर्म होगा, उसे हम लोग को फिल कर देना है। आप भी फिल कर दीजिएगा, बिल्कुल सही सही फिल कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे जैसे बता देता हूँ कैसे फिल करना है, मैं भी फिल कर देता हूँ। मुझे ही फिल करना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत भाई लोग कहते हैं कि भाई फिल करके बताया कीजिए, हमें नहीं आ रहा है, मुझे फिल करके बताया कीजिए, मुझे फिल करना पड़ जाता है, ठीक है। तो मैं फिल कर देता हूँ, आप लोग भी फिल कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। तो यहाँ पर अपना नाम दे देना है पहले, सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर नाम दे देता हूँ, फुल नेम दे देना है, फिर अपना ई मेल आई डी को, ये कि अपना ई मेल आई डी यहाँ पर दे देना है आपको, जैसे कि मैं अपना एक ईमेल आईडी दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, आप लोग भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा, जो सही कॉन्टैक्ट नंबर हो, गलत नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे मेल पे क्लिक कर लेंगे, फिर हमारा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना, आप लोग भी अपना अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा, क्योंकि कभी आधार कार्ड मांग देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को करेक्ट करना है यहाँ पर, तो हम भी अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर, ये हमसे पूछ रहा है कि हम लोग ट्वेल्थ पास हैं या नहीं, तो हम लोग देख सकते हो यस, हम लोग ट्वेल्थ पास हैं। यहाँ पे देख सकते हो 18 ईयर के हो चुके हो, तो यस। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एज भी बता देना है 18, फिर उसके बाद आप लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो मेरे पास ज़रूर है, लैपटॉप डेस्कटॉप है तो है, नहीं होगा तो भी है, यस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। डज योर कंप्यूटर हैज़ वेब कैमरा, जी मेरे पास है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आप फ्लुएंट है लिखने में है, या फिर वर्बल ओनली है, या फिर बोथ है, या फिर नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, बोथ पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। लैपटॉप डेस्कटॉप जो आपके पास है उसमें कितना रैम है, तो हमारा 8 GB है, तो हम 8 GB बता देंगे, ठीक है। आप कितना स्टोरेज है, तो हम यहाँ पे 500 है हमारा, तो हम 500 बता देंगे। वाईफाई है या फिर मोबाइल डाटा है, वाईफाई पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। कैन यू वर्क फ्रॉम होम 5 hours पर डे, यस। आपको नो नहीं करना है, सिटी दे देना है आपको, जो भी सिटी हो, तो मैं पटना दे देता हूँ, चलिए। फिर स्टेट नेम दे देता हूँ बिहार, ये क्या हमारा बिहार हो गया। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आप कौन सा पार्ट टाइम करना चाहते हो या फुल टाइम करना चाहते हो, तो आप अपना सोच लीजिएगा एक बार और अच्छे से कि आपको फुल टाइम करना है पार्ट टाइम करना है। यहाँ पे दे रहा है पार्ट टाइम वर्किंग आवर 5 hour सैलरी 6000 रुपये पर मंथ फिक्स, ठीक है। 1500 इंसेंटिव विथ 14 days पेड ट्रेनिंग विथ स्टिपेंड ऑफ ₹3000, मतलब आपको बोल रहा है स्टाइपेंड है, सॉरी, यहाँ पे आप जो है ना, ये आपको बोल रहा है कि आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा 14 दिन का, जिसमें कि
सिखाया जाएगा कैसे आपको यहाँ पे कस्टमर को हैंडल करना है। तो उसमें आपको स्टाइपेंड 3,000 रुपये दे दिया जाएगा, बस ट्रेनिंग का ही आपको 3,000 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फुल टाइम का है वर्किंग आवर 8 घंटे है, सैलरी आपको 12,000 तक है फ्रेशर के लिए, अप टू 14K CTC पर मंथ फिक्स फॉर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये फुल टाइम के लिए है, अगर आप फुल टाइम करना चाहते हो तो फुल टाइम भी कर सकते हो, अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो तो पार्ट टाइम भी कर सकते हो। तो हम फुल टाइम पे क्लिक कर लेंगे, मुझे फुल टाइम करना है तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ कि शायद मेरा भी लग जाएगा तो मैं भी घर बैठे काम कर लूँगा, इस वजह से आप लोग की वजह से मेरा भी यहाँ पे काम हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। अब मैं आता हूँ उसी एप्लीकेशन पर वापस, हम अपने एप्लीकेशन पर वापस आ चुके हैं, उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे फिर हम इसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक लिंक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, हमारा यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद अब क्या करना है, जस्ट वंस हमारा फिर से एक बार और यहाँ पे क्या पता नहीं क्या कह रहा है, ठीक है। तो हमारा इस तरह का शो कर दिया, हमने पहले से इसे फिल कर दिया है। अब मैं इसे वापस इस पर आऊँगा एप्लीकेशन पर, स्क्रॉल कर देना है फिर आगे बढ़ना है। ये हमारा पता नहीं क्यों थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, स्क्रॉल करके चेक लिंक, ओके ओके एक सेकेंड, कभी कभी ये प्रॉब्लम करता है, आपके साथ भी कर सकता है, ठीक है। आपके साथ भी कभी कभी ऊपर नीचे होगा तो घबरा मत जाइएगा, तुरंत में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसी तरीके से आप देख लीजिएगा अपना भी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हम रिएक्शन में वेरी यूजफुल पे क्लिक करना है, बैड मत दे दीजिएगा वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, आपसे पूछ रहा है कि आपको 10 में से कितना इसको देना चाहते हैं, तो हम पूरा 10 में 10 देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे, अब हमारा यहाँ फिनिश हो गया, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन करके आप यहाँ पे आ चुका है, हम इसे कट कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, आपको एक व्हाट्सअप पर मैसेज आएगा, उस लिंक के थ्रू यहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा कोर्स कंप्लीट करना, फिर आपको यहाँ पे रिविज़न कराया जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू करेक्ट किया जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसा मैसेज आएगा आपके व्हाट्सअप पे, तो मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको व्हाट्सअप पे अपने लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ, कट कर देने के बाद मैं अपना व्हाट्सअप ओपन करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरह का आपके सामने एक मैसेज आएगा, ये जोमेटो वाला है। मैंने कल एक जोमेटो पे भी एप्लीकेशन पे बनाया था कि आप जोमेटो पे कैसे किस तरह से वहाँ से जॉब ले सकते हो, उस पर ज़्यादा सैलरी है 22,000 तक का है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हो, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ में जाकर चेक कर लो, उसमें बहुत सारे हैं, तो उसमें जाकर आप चेक कर लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब मैं बताता हूँ इस एप्लीकेशन पर कैसे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, ये कौन सा एप्लीकेशन है। तो हम ऐसे बैक कर देते हैं, उसके बाद मैं अपना प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे एबल जॉब्स को ओपन करता हूँ। उसके बाद देख सकते हो तो ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है, आपको एक रुपए इस पर देने की ज़रूरत नहीं है। इस पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जो पेड होते हैं, ठीक है, आपको फ्री में देना है, आपको यहाँ से कर लेना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो 1 मिलियन प्लस यहाँ पे आपको डाउनलोड आपको शो कर रहा है, ठीक है। इसमें रेटिंग भी अच्छे खासे आपको दिए गए हैं, सब कुछ फ्री में होता है, फ्री में इंटरव्यू कराया जाता है, फ्री में इंटरव्यू को प्रिपेयर कर देता है, सब कुछ आपको फ्री में ही हो जाता है, ठीक है। तो जब ये ओपन की जगह आपको दोनों चीज़ इसमें लॉग इन करने के लिए पूछता है, पहला आपका नाम और दूसरा आपका व्हाट्सअप नंबर। तो आपका व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो व्हाट्सअप बना लीजिएगा, तभी आप इस पर इंटरव्यू के लिए मतलब कर सकते हो, क्योंकि आपको व्हाट्सअप से ही कॉन्टैक्ट किया जाता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, आपको यहाँ पे जॉब भी मिल जाता है, बहुत ही बेटर होगा, बहुत ही अच्छा रहता है, यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा और घर बैठे ही आप यहाँ से काम कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और भी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए, क्योंकि मैं और भी वैकेंसीज लेकर के आऊँगा तो वो आपसे मिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप उसके लिए सबसे पहले अप्लाई कीजिएगा तो सबसे पहले आपको जॉब मिलने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।